सबसे पहले बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटे को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गैस, मेरा नाम है विन्नी राणा और मैं हूँ उत्तराखंड से। आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ देहरादून भानीवाला से। मौसम की बात करें तो आज का मौसम काफी ज्यादा सुहाना है। कड़ी धूप लगी हुई है और बादल भी लगे हुए हैं और काफी ऊपर से एक प्यारी सी चिड़िया भी चाह रही है। तो अभी ना हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है। मैंने इधर की साइड से कपड़े भी डाल दिए हैं छत पे सुखाने के लिए। तो और आज ना इधर के साइड से ना धुंधली धुंधली, वैसे तो धूप अच्छी लगी हुई है लेकिन उधर उस साइड से ना बादल भी लगे हुए हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये सामने ये वो हाईवे की रोड है, देहरादून हाईवे। और वो ना उसी के जस्ट उसी के जो आगे छोटा सा गांव दिख रहा है वो डोई वाला है। और तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो कपड़े तो धुल्ले हैं मैंने, बट मैं अभी नहाई नहीं हूँ। तो मैं फटाफट से पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। और अभी ना नीचे ताजी भर बैठे हुए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। और इधर आगे ना केला का पेड़ भी है और हमारे तो नीचे ताऊजी और बुआजी लड्डू और गिबली और बैठे हुए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मैं छत पे आ रखी थी। और यहाँ ना तो दीदी जा रही है अभी अनुष्का को लेने के लिए अपनी फराटेदार साइकिल, स्कूटी फराटेदार साइकिल लेके जो अभी ना उसमें पंप भर रही है। ऐसे भरते इस पे हवा, आपने आपने आप पे भी भरले तो मोटे हो जाएगी। हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। देखो किसको कुछ खाना है, पागल इस टाइप का कुछ खाना है। कितने लाए हवा बढ़िया हवा भर रही तो खुद नाच रही है। ना ज्यादा मत भर, फुट जाए। अच्छा मम्मी, मैं मौसी चुन्नी लेने जा रही। दूसरी चुन्नी लेने जाओ। तेरे तो जैसे पंप भरा ये साइकिल लेके फरार हो गई घर से। आ चुकी हूँ और फटाफट से नाश्ता वगैरह, हमारा नाश्ता भी बनके तैयार हो चुका है। और आज बना रखे हमने लौकी के पराठे नाश्ते में। मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद ना मुझे आज कहीं जाना भी है 10:30 बजे। तो अभी वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा तो मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं ना अभी रेडी हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं मार्केट। और मार्केट में मेरा कुछ काम है तो मैं अपने काम से ही जा रही हूँ। क्या काम है तो आगे बताऊंगी। और गिबली ना वहाँ पे रोने लगी है कि मौसी ना आप ना मुझे लेके नहीं जा रहे हो करके। खैर मैं उसे लेके चल जाती बट ये है कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है और वहाँ पे मतलब वो मतलब डिस्टर्ब भी करेगी मुझे और सामान इधर उधर बिखेरती रहेगी तो ठीक नहीं होता है। तो एक्चुअली मैं जा कहाँ रही हूँ आपको बताऊँगी मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ आधे रास्ते में और इधर आज ना धूप बहुत ज्यादा हो रही है और ऊपर ना हेलीकॉप्टर भी जा रहा है जो मिनट का रास्ता तय करना है तो उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगी। और इधर तभी से ना बहुत ज्यादा सहतूत लगे हुए थे और हम ना पेड़ पे तो मैं चढ़ नहीं पाई थी बट नीचे से जो टॉकी थी उसे खींच के उसे तोड़ के ना खींच के ना
तब निकाले थे मैंने बहुत सारा शहतूत, बट अभी तो है नहीं। देखो गाइस बलून कितना बड़ा हो गया, पूरा ही तो फुलाने अच्छा लगता है। ये लोग ना फ्री वालों से हम पे नहीं आते हो, फिर तो बेकार होते हो। हो गया। तो अभी जा रहे हैं दीदी और मैं इधर आगे सांकरी साइड, और दीदी गिवली और लड्डू ना पीछे से आ रहे। दीदी ना लखा लेके घूम रहे हैं। देखो जल्द कमर थोड़ी था कहू। ये देखो गाइस मोटी भाग गई आगे, मोटी खाई कर दे। और पीछे से ना अनुष्का भी हारी है गिवली। अभी तेरी गिवली गिवली भाग गई। चल यार गिवली कल जाओ। यहाँ पे ना अगल बगल दोनों तरफ से ना लोगों ने गन्ने की खेती कर रखी है और बीच में रास्ता है। तो मैं एक बार ना आपको पहले बैक करके दिखा देती हूँ। और आज ना मौसम कभी सही हो रहा है कभी ख़राब हो रहा है, कभी धुंधली सी धूप लगी हुई है। और मैं ना काफ़ी टाइम बाद चलती हूँ ना तो मेरी सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि मैं ज़्यादा चलने की आदत नहीं है मुझे, वैसे कम ही चलती हूँ मैं। और ये दीदी तो फटाफट से भाग रही है, देखो आगे चल गई। और मैं ना आराम से चल रही हूँ अपने ही तरीके से। और इधर ना लोगों ने गन्ने की मिनट लग जाएंगे और उसके बाद ना हम पहुंच जाएंगे। देन जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं मुझे नहीं पता कि वो काम हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी दीदी ने कहा कि नहीं कि चल एक बार देख के आ जाते हैं करके। तो अभी तो सफ़र हमारा कंटिन्यू ही चल ही रहा है। अभी हम जा रहे हैं खेत से घर। और तो दोस्तों तो अभी ना हमारा खाना बनके तैयार हो चुका है और अनुष्का यहाँ घूम रही। क्या जा रही है अनुष्का, क्या खा रही? चॉकलेट। और इधर ना अभी ताई जी ने आज खाना बना लिया और ताई जी ना चली गई है खाना बना के। ये है ताई जी का किचन और यहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही। आज पता नहीं क्या बनाया ताई जी ने खाने में। आज बना रखी ताई जी ने कढ़ी और इसमें ताई ने शायद घी बनाया, अभी कढ़ाई में ही रखा हुआ है। तो और इस कुकर में ताई जी ने चावल बना दिए हैं। तो अभी ताई जी चल गई है अपनी गौ माता के पास, तो हम भी चलते हैं।
चलो आ जाओ। गौ माता तो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, अच्छी। चलो तो आपको ना पहले, सबसे पहले गौ माता के दर्शन करवा लेते हैं। और आज ना बहुत ज्यादा तेज की धूप लगी हुई है, तो मजा आ रहा। हाँ, अनिश को बोल रही धूप ऐसी होती है करके, तो अभी जा रहे हैं हम गौ माता के पास। तो हमारी छोटी वाली गौ माता तो अभी सो रखी है, और बड़ी वाली गौ माता ना अभी ऐसे उसमें लगी है मुँह चलाने में। और यहाँ पे रखा हुआ है भूसा। भूसा मतलब जो धान धान का, गेहूं का कबाड़, गेहूं का भूसा वगैरह नहीं होता कबाड़ टाइप का, तो बोले। और अभी थोड़ी देर पहले ताई जी जा रखी थी वर्षी के लिए, तो छोटी ताई जी ना ये वाली वर्षी भी लेके आए। और यहाँ पे ना पतीले में इतने सारे मच्छर लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो बासी वगैरह खाना बचता है ना, वो गौ माता के लिए पतीले में डालते हैं। वो खैर उसे धुलते तो रोज हैं, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, फिर भी मच्छर वगैरह लग ही जाते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। देन इधर ऊपर ना ताई जी ने जूते वगैरह और बहुत सारा सामान रखा हुआ है, वो क्या क्या चीजें हैं। और तो जो इधर साइड से दिख रहा है वो दारांती और जूते हैं, और डब्बे वगैरह रखे हुए हैं ताई जी। बता और बोल रही इधर ऊपर वो आरी से पेड़ वगैरह काटते हैं भी रखी हुई है ताई जी ने। ये देखो गाइस, ये लेके जा रहे हैं गौ माता के लिए घास, और डर डर के जा रहे हैं, दोनों की लड़ाई हो रही है, एक बोल रहा मैं देख दूंगी करके। ये देखो इस टाइप से खिला रही घास, दे देगी बिल्ली। ये अनुष्का लेके जा रही घास गौ माता को खिलाने के लिए। देखो डर, पता है डर रही वहां से, डर मैंने चुटकी को स्कूल का ट्यूशन और स्कूल का काम भी करा लिया है, तो अब जा रही हूँ मैं बड़ी ताई जी और छोटी ताई जी के पास। देखते हैं ताई जी और क्या कर रहे हैं। कैमरा पे आ गए, ये कौन है बोल, बोल कौन हूँ। अब है वहाँ धूम दिखाना, बड़ी ताई जी बाहर चल गई है और छोटी ताई जी तो यहाँ कढ़ाई पे बैठी हुई खाना खाने के लिए। क्या कर रहे तुम, यहाँ खाना खा रहे? ये देखो गाइस, ताई जी ना अपना अपनी कढ़ाई लेके आ रखी है, यहाँ पर मोगली भी खा रही है खाना ताई जी के साथ बैठ के। और ये लड्डू भी आ गए यहाँ, ये देखो यहाँ लड्डू टीवी लगा रहा है, रिमोट से टीवी लगा रहा टीवी वाला हो गया। ये बात मत करियो, नानी मारेगी, देख नानी गुस्सा कर रही नानी। ये देख गया नानी, ये देख गया अनुष गिबलू खा रही, खा रही क्या खा रही गिबली, करी क्या खा रही है। देखो गाइस गिबली कैसे खा रही, हाथ से भी, चम्मच से भी, कटोरे से भी, सब कुछ से खा रही। सोनी क्या खा रही तू, करी किसने बनाई, करी किसने बनाई, किसने, नानी ने। अच्छा आवाज नहीं आ रही, अभी खा रही ना। और इधर पीछे ताई जी की टीवी चल रही है। किस है गिबली, वो है वहाँ खीर, तो वो खाएगी ना, उसके लिए है शायद वहाँ पे। तो गाइस आप सबके लिए खीर, खुशी कहाँ है, खीर खाई बोलिए, खीर खाई आप, खा रहे खीर, खा ली। तो ये लिए ताई जी ने कटोरे में खीर, और ये खीर ना चुटकी के लिए दे रखी है, तो अब चुटकी खाएगी खीर। और